मैंने ना ये वाली पोशाक निकाली है, तो मैं सोची आज ये वाली पहनूंगी मैं गणगौर पे पूजा में। ये वाली देखिए, इसका कलर बहुत ही प्यारा है। इसमें एग्जैक्ट कलर नहीं आ रहा, हाँ अभी जस्ट ये वाला कलर है इसका। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला पहनूंगी ड्रेस, बस अभी नहा के आऊँगी फटाफट और अपना रेडी होंगी मैं। गाइज आज है गणगौर, तो मैंने मेरा गोल्ड का निकाल लिया। ये देखिए, ये मैंने मेरा मंगलसूत्र निकाल लिया गोल्ड का। हाँ, मेरी गोल्ड की पायल, ये देखिए। आज मैंने लोकर से निकलवा ली थी मम्मी से, आज पहन के कल वापस रखवा दूंगी इनको, क्योंकि गोल्ड वोल्ड देखो उसी में ही पहना जाता है कि शायद कुछ व्रत हो कुछ। और मेरे को गोल्ड और मेहंदी इन सब का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं ये इयरिंग पहनूंगी ये वाले। ये देखिए, एक बार मेरे मन में है कि एक बार मैं गोल्ड का कलेक्शन भी दिखाऊँ, बट थोड़ा सा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा। और लोग निकाला मैंने मेरा छोटू सा हार, तो मैं सोच रही हूँ कि ये भी मैं पहन लूँ एक बार। और एक ये वाला निकाला मैंने छोटू सा, ये वाला हार क्यूट सा, ये एकदम गले से ना चिपक जाता है वो वाला है, ये देखिए। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और निशा लाइसानी आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। और आज है गणगौर, और आप सभी को गणगौर की बहुत 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 बधाई। और हमारे यहाँ तो गणगौर बनती ही है, और मैं अभी रेडी एकदम। ये देखिए, मैंने मेहंदी लगवाई है, और ये मैंने चूड़ा डाला है, फुल मेकअप किया है, गोल्ड की ज्वेलरी डाली है, ये वाला एक ही, और एक मेरी चेन, और इयरिंग्स भी मैंने गोल्ड की डाले, ये देखिए, है ना, ऐसे टाइम पर डाले जाते हैं ये। तो बस नहा धो के रेडी होगी, फिर पूजा होगी। तो गाँव में थे तब तो पूजा कैसे होती थी कि गणगौर बनती थी, गणगौर माता बनती थी, तो उसी पर पूजा करते थे। बट यहाँ पर मम्मी अभी क्या करती है ना, किचन में ही पूरा करवा देती है अच्छे से, और उसी हम लोग टिक्की निकाल देते हैं, जैसे मेहंदी की और हल्दी की और काजल की। तो बस यहाँ का जरूर मेरी ड्रेस ये कैसी लगी, है ना, ये देखिए पूरी फुल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पक्का। मेरा पार्सल एक और एक टी शर्ट रह रही थी ना कल वाली, तो ये मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को खोल के कैसी है। दिखने में तो बहुत हल्का लग रहा है, बट देखते हैं कैसी है ये, कैसी नहीं, बाद में दिखाऊंगी खोलूंगी तब। ये दिखाती हूँ मैं केतकी का लुक, ये देखिए इसने भी बेस पहना, दिखाइए दरवाजा, और ये मम्मी अभी दिखाओ, मम्मी ने पहनी साड़ी, मम्मी ने नया बेस इसलिए नहीं पहना, बोली खराब हो जाएगा, शादी में पहनूंगी मम्मी। और ये होगी पूजा की तैयारी, हम लोग यहाँ लगाएंगे टिक्की, कितनी लगेंगी, 16 ना, 16 मेहंदी की, 16 उसकी किसकी बोलते हैं काजल की, और 16 हल्दी की, है ना। ये होगी पूजा की तैयारी, है सिंदूर की हल्दी की, अच्छा सिर पे ना ये डटी नहीं रही। और आज मेरे मीठे चावल खाने का इतना मन था, इतना मन था, मम्मी तो कह रही थी एक बार व्हाइट बना ले, पर फिर मैंने गुड़ के ही बना लिए, मेरे को बहुत मन हो रहा था खाने के लिए। ये होगी मम्मी की पूजा शुरू, ये होगी मम्मी की पूजा। मम्मी नाचोगे आज? साड़ी अच्छी लग रही है, वो यह जॉन्टी दी थी कहती थी, मैंने मम्मी दे दी थी, कोई नहीं, क्या हो गया कहती, दूसरी बार कर रही है ना, लगा दे अच्छी अच्छी। मम्मी क्यों गई, मम्मी देख रही है अभी, बाकी सब क्या मम्मी, क्या हुआ बेटी है। सो गाइज यहाँ थी मेरी डन, ये देखिए मैं भी पूजा कर रही हूँ, ज़्यादा तो बोल नहीं पा रहे हम लोग क्योंकि पूजा चल रही थी, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ डाली अभी। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपनी टिक्कियाँ गिन रही हूँ कि कितनी होगी, क्योंकि मुझे 16 ही निकालनी थी, तो मैं वही पूछ रही हूँ मम्मी से कि क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि देखो कितनी बारी कर लो, बड़ों से पूछे बिना नहीं होता कोई भी पूजा वूजा, नहीं पता रहता आपको। और ये यहाँ पे मम्मी निकाल रही है तिलक सबको, ये देखना बस सबकी टर्न आएगी बार बार, मम्मी को छुट्टी लगाना। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी लगा रही है तिलक, देखो खुद से लगाओ ना वो अलग बात होती है, बट जो बड़े लगाते हैं उसका मजा ही अलग आता है, मजा आ जाता है लगवा के, कितना अच्छा लगता है ना, है ना। और ये देखिए केत की पैर छू रही है मम्मी के, और सबके बाद टर्न आती है पल्लवी देखी, तो मम्मी इनको भी टीका लगा रही है, ये देखिए पल्लवी देख रही है, यहाँ पे नहीं होती है गणगौर माता बट हमारे यहाँ होती है, तो मम्मी उन्हें भी तिलक लगा लगा। आंगली कैसे लेनी है मम्मी, ऐसा करके इस गणगौर थान, एक दो तीन चार, कितनी बार करना है, 16 बार। और ये टर्न आ गई मम्मी की, यहाँ पे देखिए मम्मी पूजा कर रही है लास्ट में, मैंने और केतकी ने, इसमें ना दो एक्चुअली साथ में करते हैं, तो मैंने और केतकी ने करवा दी थी मम्मी ने हम लोगों की, और मम्मी अभी खुद कर रही है खुद से, ये देखिए अपनी, ये लगेगा भोग, हाँ राइस, राइस का भोग लगा दे मम्मी, लगा रखा ना, तेरी कटोरी कौन सी है, हाँ ठीक ठीक।
मेरा जाएगा बीच में भोग। एक दूसरे चेंज करा कर खाना पीछे से। आ दो भाई मम्मी की कदे तेरे भी छू जाऊ जाओ के कुछ हो कुछ हो तो पल्लवी के साथ रुक दो बच्चे उड़ चुके तो मैं कल कल इसके बीच होगी फ्लो फ्लो में और मैं वेट कर मार करके बहुत प्यारी आ रही है खुश रहो भाई खुश रहो। हां को तो ऐसे रखो मेरे ऐसे ले लो ऐसे ले लो मेरा खुश रहो खुश रहो खुश रहो। दीदी कहां है सवाई मंगवा ले नीचे। हाँ मैं देखिए वीडियो ले रही हूँ मम्मी अर्की क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो डालनी थी बट ही मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैं सोची थोड़ा बहुत डाल देती हूँ क्लिप में ऐड कर देती हूँ और मम्मी सोचा मैं फोटो ले रही हूँ बट मैं वीडियो ले रही थी वहाँ पे। सो फ्रेंड्स ये मेरी देवरानी है देखिए पूरी रेडी फुल एकदम राजस्थानी लुक कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर। और ये है मेरा लुक मम्मी ने साड़ी चेंज कर दिया अगर मैं दिखाती तो क्योंकि बनाना खाना भी मैं भी चेंज करने जाऊंगी है ना क्योंकि न्यू ड्रेस है कुछ थोड़ा बहुत भी दाग लग गया तो खराब हो जाएगी तो इसीलिए बस और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। हाँ छूते ना मैं तो छूया करूँ वही इनके छिले 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 रुला दिया है देखिए कैसा रो रहा है मम्मी तो आगे चेंज करके मम्मी क्या बन रहा है बैंगन का भरता और रोटी और मीठे चावल है। आज मेरा इतना मन था मीठे चावल खाने का इतना मन था। सो गाइज होगी है पूजा और मैं आगे रूम में अभी चेंज करूंगी फटाक से क्योंकि अभी खाना बनाना भूख लगी है मेरे तो दो दो व्रत हो गए एक्चुअली परसों का भी था और आज का भी टाइम हो गया डेढ़ ये देखिए और भूख लग रही है बहुत तेज ऐसा ना हो गया माइग्रेन का मेरा वापस स्टार्ट हो जाए मैं नहीं चाहती है ना तो बस और मैंने चुन्नी आदि ना निकाल भी दी थी तो मैं सोची फटाफट चेंज करके मम्मी कह रही चेंज करिया नहीं तो ड्रेस खराब हो जाएगी तेरी तो मैं सोची कि फटाफट चेंज करिया हूँ और देखी मेहंदी एकदम ब्लैक है ना तो बस अभी मैं चेंज करूंगी और बताइएगा जरूर कैसा लगा आज का लुक और ड्रेस ये वाली पोशाक तो मेरे पास बहुत है मेरे को शौक भी है हम लोग राजस्थान से नहीं हम लोग है तो हरियाणा से बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये तो बस इसीलिए। हे गाइज ये है मेरा आज का फाइनल लुक ये देखिए पोशाक पहनी है मैंने और ये मेरा चूड़ा डाला है मैंने आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और ये मैंने मंगलसूत्र डाला है और ये मैंने मेरा हार भी डाला चेन और ये वाले इयररिंग्स डाले हैं मैंने ये देखिए तो कैसे लगे जरूर बताना कमेंट्स में और पोशाक कैसी लगी कलर कैसा लगा आप लोगों को। सो मैंने कर लिया चेंज और मैं आ गई हूँ अपने टी शर्ट में पुराने लुक में क्योंकि जाऊँगी फटाफट क्या रोटी बनाने खाना खाना है बहुत भूख लगी है। सो मैं सोच रही थी आज मैंने मेरा लहंगा निकाला शादी का तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी वो शेयर करूंगी आपके साथ कैसा लगाइए कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा फ्रेंड्स पार्सल मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं टी शर्ट अब लेट तो मैं हो रही बट मैं सोची कि इसको अनबॉक्स कर ही देती हूँ कैसी है कैसी नहीं। देखिए ये कलर आया इसका मैंने एकदम डार्क पिंक करा था पिंक पर्पलिश का कलर है कुछ हल्का सा सो दिखाती हूँ आपको खोल के कैसी आई है टी शर्ट आई है कुछ ऐसे मेरे को बहुत ही पसंद आया इसका कपड़ा भी बहुत ही प्यारी है कलर भी बहुत ही प्यारा है तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लगे मुझे तो बहुत ही पसंद आई कपड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे इसका। यहाँ पे बैंगन का भरता और मम्मी बना रही हलवा वैसे तो मीठे चावल थे बट मम्मी बोली हलवा बना लेती हूँ थोड़ा सा मम्मी से ही गोटे की हलवा है मेरी तवा टेक दूँ ये बना दिया मम्मी ने हलवा देखिए एकदम रेड हो गया मम्मी मम्मी डालेंगे पानी आवाज आएगी छन सी कहाँ तक है इसका धुआं हलवा तो क्या ही बनाया यार मम्मी ने बहुत ही टेस्टी मज़ा आ गया मिलते थोड़ी देर बाद खाना खा के भी आ गया मेरा खाना ये देखिए हलवा ये रोटी और ये बैंगन का भरता ये बच्चों की रोटी ये मेरी रोटी और राइस मैंने पहले खा लिए थे थोड़े से तो मैं अभी वो नहीं लूँगी। हे एवरीवन मैं आ गई हूँ मेरे रूम में और टाइम हो गया 3:10 अब काम खत्म हुआ सो इतना काम बस क्या ही बताऊँ और मैं अभी आई हूँ मेरे रूम में थोड़ी देर थोड़ी रेस्ट करूँगी बस झाड़ू लगा के पोछा लगा के वापस सुबह एक बार तो आशा कर गई थी बट अभी
वापिस करना पड़ा सारा घर इतना गंदा, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो इतने सारे इकट्ठे हो रखे ना हम लोग, तो बहुत ही ज़्यादा था। तो बस अभी मेरा खाना वाना हो गया, बच्चों को भी खिला दिया मैंने, अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और खाना था जितना टेस्टी बना था क्या ही बताऊँ, पता नहीं दो दिन की भूख थी क्या था, बट बहुत ही अच्छा लगा। और बस अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, मैं सोचे थोड़ी देर लेटूँगी, उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से शाम को चाय पे। होगी रेडी, कब जाओगे हमारा खाना बनाओ फिर। ओ माय गॉड, सब मैरून मैरून मल्ला के बस केत की रहेगी दिख है कौन अभी तक ना यार, चिंगरा मत बस कर। मैरून क्यों नहीं हो भाई, सब मैरून होकर जा रहे हैं घर पे। मम्मा देखो बनाई, दुखेगा उसको ना जो Oh, I have many rings here. Papa, come out of the ring. Le like. नहीं ये इतना अच्छा नहीं आ रहा, लगता है यार बच्चों को मुझे पता है, मैं चाचू को देख निशान हो जाएंगे, लाल काला बना देती हूँ मैं चाचू के हाथ पे, वो देख हो गया दिखा देख, मेरे हाथ में देखना भी कैसा बनाई है ऐसे नहीं। केत के रंग मर तेरा रंग मान तर देख, देखो दिखाइयो नहीं आया कुछ चला जाता सैंडल उतार दिए क्या इसने, तीन तले तीन कर रहे। ओहो हेयर बैंड भी उतार दिया, वे तू कहाँ जा लिए पार्टी में। बाय बाय कर दो, बाय छे बाय। देख अपने पापा से इतनी बात कर रही थी, पटर पटर अरब देख। चलो हाँ फुल बात करिए उसने, होंडा सिटी मत ले जाओ भाई, दूसरी ले जाओ। एवरीवन हो गया शाम और टाइम हो गया 8:30, मैं आ गई मेरे किचन में और बस अभी मैं बनाऊंगी क्या आज उत्तपम की सोच रहे, क्योंकि वो लोग सब बाहर गए हैं, मोनी केत की अंजू और पल्लवी, तो बस मम्मी पापा मैं और बच्चे हम चार लोग, तो मैं सोच रही हूँ उत्तपम भी बना लूँगी मैं, है ना, तो बस उसी की तैयारी करूँ, उसके साथ मैं बनाऊँगी अपनी पीनट्स की चटनी और बस उत्तपम, बस इनफ आज हल्का फुल्का ही रखेंगे क्योंकि दिन में बहुत हो गया था। तो अभी ये पीस लिए मैंने पीनट्स की चटनी, इसमें अदरक नमक लहसुन और पीनट्स और ग्रीन चिली डाली है मैंने, और बाकी मैं इसी में डालूंगी, अभी इसमें राई डाल दी है मैंने, तो अभी मैं इसको बस छोक दूंगी थोड़ा सा हल्का सा तड़का दूंगी इसमें, ये वाला देखिए तेल हो गया मेरा और इसमें मैंने डाली है राई, ये देखिए। है एवरीवन आज थी गनगोर और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना लेंथी हो गया है तो मैं बस एंड करूंगी, और बताइएगा जरूर कैसा लगा आज का गनगोर वाला ये वाला व्लॉग, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी ना, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।